अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे टॉलसन की ये जो स्टेपलर गन है। ये थ्री वे स्टेपलर है। इसमें तीन किस्म की जो पिन्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं। इसमें क्राउन, नैरो क्राउन है, यू शेप स्टेपलर है और ब्रेड नेल है। और पाकिस्तान में जो इसके साथ ऑलरेडी ये जो तीनों किस्म की पिन्स हैं, दो सौ अवेलेबल हैं, यानी टोटल 600 पिन्स हैं इसके साथ। लेकिन जो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो सिर्फ नैरो क्राउन की अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने डील ऑर्डर की है दराज से। इसमें मुझे 1500 में विद डिलीवरी मिली है ये 1000 पिन्स, और साथ ये गन है, और इसके साथ पैकेट में 600 पिन्स और हैं। ठीक है, तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह मैंने इसको पैकेट से बाहर निकाल लिया। और ये इट्स क्वाइट हैवी, मेरा ख्याल है ये हाफ के जी तक इसका वेट है। तो इसमें अब पिंस डालते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसे काम करेगी। ये देखें व्यूअर्स, इसमें जो इसके साथ जो आ रही हैं ऑलरेडी पिंस, उसमें ये वाली पिंस है, ये हमारे आम कील की तरह बनी हुई है। ठीक है, जो इसके साथ आपको मिलेंगी 200 ये वाली है, 200 नॉर्मल जो हमारा स्टेपलर साइज वाइड जो क्राउन जिसको कहते हैं वो डिज़ाइन है, और एक ये यू शेप में है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको सिर्फ इस स्टाइल में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, ये एक मैंने इधर पंच करके भी देखी है, अब मैं आपको इनको पंच करके बारी बारी दिखाती हूँ। ठीक, आपको ये जो गन है हमारी, इसको लोड और अनलोड करना बताने लगी है। बहुत इजी है ये, इसके पीछे एक हुक सी है, इसको आपने अंदर प्रेस करना है। ये देखें, ये हो गई, ये एक स्प्रिंग बाहर आ जाएगा इसमें से। इसमें ऑलरेडी मैंने जो पिन्स हैं वो लोड किए हुए हैं। ये देखें, अब ये आपने सीधे डालने हैं जो नैरो शेप वाले हैं, इस तरह बिल्कुल सीधे डालेंगे इसमें। ठीक है, और ये जो हमारा स्प्रिंग जो हमने निकाला था, इसको भी वापस ही अपनी जगह पर लगाएंगे ऐसे। इसको थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा। और ये देखें, ये इसको लॉक में आपने ये अनलॉक हो गई और ये अंदर लॉक हो गई। ठीक है, अब आपने इसको जो है ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको पिन कैसे करना है। ठीक है, मैं तीनों पिन्स आपको करके दिखाऊंगी, तीनों पिन्स को ही किस तरह करना है। ये सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये प्लाईवुड है, मैं इसमें करके दिखा रही हूँ आपको। इट इज़ लाइक वेरी स्मूथ एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रेस। ठीक है, यू शेप वाली डाली है। यू शेप यूजली जो है वो वायर्स वगैरह को करने के काम आती है। ठीक है, आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है और ये देखें जो यू शेप है ये वायर्स को बहुत अच्छा प्रेस करेगी। ठीक है, इसमें एक होल सा आता है ये वायर्स को प्रेस करने के लिए। अब हम थर्ड वाली पिन की तरफ चलते हैं। टी शेप वाली डाल दिए, इसको आपने मशीन को यहाँ से थोड़ा प्रेस करना है और यहाँ से ये देखें ये एक बिल्कुल जो नॉर्मल हमारा कील होता है ये उसकी तरह लगी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और पावरफुल है ये, घर में होनी चाहिए, 100 काम आपके आ सकती है। ठीक है, और ये इसकी जो रिकमेंडेशन के हिसाब से इट कैन बी यूज ऑन द वुड एंड जी वुड प्लाईवुड एंड चिपबोर्ड, ये तीनों में काम आ सकती है। बहुत ही हैंडी है, बहुत ही मुझे अच्छी लगी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इतनी हार्ड नहीं है, यानी इसको प्रेस करना इतना हार्ड नहीं है। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और चीज़ के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर इसके बारे में आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और ये पूरा पैकेज 1600 पिन्स हैं इसमें, और एक स्टेपलर ये मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट 1500 विद डिलीवरी, विच इज़ वेरी गुड। सो सी यू, बाय।